दोस्तों अब सुशील कुमार पर काफी खतरा मंडरा रहा है। जहां पहले वो 18 दिनों तक पुलिस से बचते नजर आए, दूसरी तरफ जब उनको गिरफ्तार किया गया तो ये सच्चाई सामने आई कि वो संदीप उर्फ काला जथेड़ी गैंग से भी बच रहे हैं, जिसकी वजह ये है क्योंकि 4 मई की रात को उन्होंने सोनू जो कि काला जथेड़ी के भांजे हैं उनकी जमकर पिटाई कर दी थी। और जब काला जथेड़ी से संपर्क करने की कोशिश की सुशील कुमार ने तो उस गैंग ने सुशील कुमार को साफ जता दिया कि सुशील कुमार अब तेरी खैर नहीं, तूने जो कुछ भी किया उसमें उनकी उनको ज़्यादा ही बेइज्जती लगी और सोनू की हालत भी बुरी कर दी थी दोस्तों पीट पीट कर। आप ये मान लीजिए कि सागर की ज़्यादा पिटाई करी थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, लेकिन सोनू और अमित को भी बुरी तरीके से पीटा। और जब पुलिस और वकील कई सारे उनसे बयान लेने की कोशिश कर रहे हैं तो सोनू ने खबरों के मुताबिक चुप्पी साध रखी है और ज़्यादा कुछ बयान नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके पीछे उसका एक मकसद ये है कि वो खुद सुशील कुमार से अपना बदला लेगा अपनी इस बेइज्जती का। जी हाँ दोस्तों, सोनू ने खबरों के मुताबिक ये ठान लिया है कि वो काला जठेड़ी गैंग के साथ मिलकर सुशील कुमार से अपना बदला लेकर रहेगा अपनी इस बेइज्जती का। चाहे सुशील कुमार जेल के सलाखों के पीछे हो या जेल की सलाखों के बाहर हो, वो सुशील कुमार से अपना बदला जरूर लेगा। और खबरें कुछ ऐसी सामने आ रही हैं वकीलों और पुलिस के बयानों के जरिए, जिसमें बताया जा रहा है कि सोनू और अमित अब ज़्यादा कुछ बयान नहीं दे रहे, उनकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई की गई लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बातें कह रहे हैं सुशील कुमार के खिलाफ, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि पुलिस उनके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई ना करे और जब सुशील कुमार बाहर आ जाए खबरों के मुताबिक तो काला जठेड़ी गैंग उससे अपना बदला ले सके, उसमें सोनू और अमित भी पूरा अपना योगदान दे सकें। तो ये एक अलग ही रणनीति, एक अलग ही केस मोड़ लेता नजर आ रहा है जहां पर अब सोनू भी अपना बदला लेता नजर आ सकता है खबरों के मुताबिक सुशील कुमार से। अब देखना दिलचस्प होगा कि सूत्रों के मुताबिक की ये खबर कितनी सच्ची होती है कितनी झूठी, ये तो आने वाला समय ही बता देगा, क्योंकि सोनू और अमित की तरफ से ज़्यादा कुछ बयान सामने नहीं आया है खबरों के मुताबिक। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की